बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब और गजब का जो है यहाँ पर हौसला दिखाया है। पवन जी जैसे कि रोहित आए थे, एक मिनट में पांच खाए थे लेकिन 24 सेकंड में 3 खा लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं प्लेट में सामने इडली और सांभर लगा हुआ है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है इडली और सांभर खाने का चैलेंज होने चल रहा है, और यह चैलेंज फूलपुर मंडी में लगा हुआ है। तो आइए चलते हैं पवन जी के पास और देखते हैं कैसे चैलेंज लगेगा। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इडली सांभर की प्लेटें लगी हुई है, तो आज हमारा इडली सांभर ईटिंग चैलेंज है। और इस चैलेंज में 1 मिनट का समय है, और 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा खाएगा उसको 500 रुपए पुरस्कार मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो इडली और सांभर का चैलेंज लगा हुआ है, 1 मिनट में खाना है, अगर 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा खाएगा वही 500 रुपए का इनाम पाएगा। तो आज जो चैलेंज लगा हुआ है फूलपुर मंडी में लगा हुआ है, यहाँ पर एक नहीं हजारों वीर खड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, सब देख रहे हैं पहले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? अमिकेत। अमिकेत कहाँ के रहने वाले हैं? महुआ कोठी। महुआ कोठी की धरती से चलकर आए हुए अमिकेत, तो देर न करते हुए टाइमर चालू कर दीजिए भैया जी के लिए। देखते हैं कितना जो है और देखते हैं सामान खाते हैं। बहुत गजब। और अमिकेत जी इस समय खाना चालू कर दिए और बहुत मस्ती से काट काट कर खा रहे हैं। बहुत बढ़िया है। और देखते हैं खाइए खाइए खाइए, मत खाइए, खाते रहिए खाते रहिए। और यहाँ पर अमिकेत आए हैं और आज रिकॉर्ड खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। आधे मिनट में ही तो वो बोल गए भाई साहब, आए हौसला दिखाए भाई साहब का धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? रामप्रीत। कहाँ के रहने वाले हैं? सूदिकपुरा की धरती से चलकर आए हुए रामब्रिज। तो पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए। और यहाँ पर टाइमर चालू होते ही रामब्रिज पूरी तरह से मैदान में उतरे हैं इडली और सांभर खाने के लिए। और हमको लग रहा है 10-12 इडली तो खा ही जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और रामब्रिज अगर आपको जीतना है बहुत बढ़िया, थोड़ा सा स्पीड लेकर चलना होगा। और जैसे रामब्रिज देख रहे हैं चिम्मच से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ पर चिम्मच से कोई मतलब नहीं रखना है। बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही गजब ढंग से जो है दो प्लेट बहादुरी दिखाते हुए, और देखते हैं कितनी प्लेट का रिकॉर्ड बना पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब। पानी भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पानी रखा है, पानी का आनंद लेते रहिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 36 सेकंड, थोड़ा सा धूप की वजह से टाइमर 41 सेकंड का जो है टाइमर सफर तय कर चुका है। बहुत अच्छी कोशिश है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं राम बिछाए हैं तो पूरे बहादुरी से जुटे हुए हैं। और आज यहाँ पर देखना है ले 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 पिए पिए नीचा। तो सवा चार ताली बजा दीजिए, ताली बज गई है भैया जी के लिए। तो रामब्रिज जी आए, 4:15 इडली खा लिए हैं। तो देखते हैं रामब्रिज जी से आगे कौन जाता है और कितनी इडली खा पाते हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारे अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते। क्या नाम है? रोहित। कहाँ के रहने वाले हैं? चंदौकी। चंदौकी की धरती से रोहित चलकर आए हुए हैं। तो पवन जी देर न करते हुए टाइमर चालू कर दीजिए। और टाइमर चालू हो चुका है, ऐसा लगता है रोहित आज कोई हंसी मत। बहुत गजब चैलेंजर हो तो रोहित जैसा, अगर रोहित यहाँ पर 10 इडली का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इडली को रसगुल्ले की तरह खा रहे हैं, एकदम जैसे रसगुल्ला का गच्छ काट रहे हैं एकदम। और ये देखिए रोहित आज चंदौली का नाम रोशन कर कर जाएंगे। बहुत गजब। अगर यह वीडियो आप लोगों को देखना है तो यूट्यूब में अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल को सर्च करिए। पवन जी टाइमर को थोड़ा 30 सेकंड में 3 प्लेट खा लिए। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और जैसे कि अभी राम वृक्ष आए थे 4:15 प्लेट 1 मिनट में खाकर रिकॉर्ड बनाए हैं। और यहाँ पर बढ़िया, बहुत बढ़िया, खाते रहिए खाते रहिए। रोहित आए हैं तो बहुत बढ़िया, है गिराइए अभी है उसको, खाते रहिए पूरा खाली करके जाइए, हटाइए। बहुत गजब। और यहाँ पर टाइमर थोड़ा सा पवन जी टाइमर सीधा कर लीजिए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 सेकंड बचा हुआ है, टाइमर समाप्त हो गया। 5 खाए हैं रामप्रीत जी, ताली बजा दीजिए रोहित के लिए। दर्शकों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट हो चुकी है। रोहित आए हैं सबसे आगे निकल गए, देखते हैं इनका नंबर कोई काट पाता है नहीं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ गए हैं एकदम अनोछा अनोछा रख के। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं?
हेमापुर की धरती से अशोक कुमार जी आए हुए हैं, तो अशोक कुमार जी के लिए टाइमर चालू कर दीजिए पवन जी। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है, तो अशोक जी इस समय अपना इंजन भी चालू कर दिए हैं। बहुत गजब यार। और अशोक जी आप फाउल हो जाएंगे अगर इडली भूमि में जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। खाते रहिए, पूरा खाइए। और 15 सेकंड में 3 इडली खा लिए हैं। सभी आगे जा रहे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हो गया। और तीर इतनी फुर्ती से खा गई, इनकी ट्रेन छूट गई। और देखते हैं दूसरे चैलेंजर कितने समय में खा पाते। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? बरेंद्र। तो बरेंद्र की धरती से चलकर आए हुए रमेश जी, तो पवन जी टाइमर चालू करिए रमेश जी के लिए। तो देखिए रमेश जी कहाँ तक पहुँचाते हैं इस इडली और सांभर को खाने के लिए। सबसे ज्यादा 6 प्लेट खाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। और अभी रोहित आए हैं तो एकदम अधिक तरह आए हैं, तूफान की तरह एक अच्छा टारगेट खड़ा करके गए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी कोशिश है। रुक जाइए, कोई नहीं, आराम से खाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हमको लग रहा है 2 इडली ज्यादा मुंह में भर लिए, अंदर नहीं जा रही है, मुजाम कर लिए। रमेश जी तो बहुत ही आराम से बफर की तरह खाना चालू कर दिए हैं। और सामने प्लेट छोड़ करके दूर की प्लेट ढूंढ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 30-35 सेकंड हो चुका है, अभी 3 मिनट हुआ है। बहुत बढ़िया, 3 खा लिए। बहुत बढ़िया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रोहित जी आए हैं, तो बहुत ही गजब ढंग से। और खास इसलिए रहे कि इडली खा रहे हैं, सांभर नहीं खा रहे कोई। अगर सांभर के साथ खाएंगे तो ज्यादा खा सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। सांभर का तो प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, जिससे इडली अंदर जाएगी। बहुत गजब, 4 प्लेट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और 4 प्लेट खा करके हाथ धो लिए, तो देखते और आगे नहीं खाएंगे। भरा हुआ है, तो देखते अगले चैलेंजर के रूप में कौन आते हैं और कितने खा पाते हैं। कि आप लोग देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं, एकदम मस्ती से मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है भैया? शुभम पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? फूलपुर कस्बे। फूलपुर कस्बे के हैं पांडे जी। तो पांडे जी के लिए टाइमर चालू कर दीजिए शुभम जी के लिए। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है, तो भैया जी एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और जितने भी चैलेंजर आए हैं, चैलेंज को बिल्कुल समझ नहीं पाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। पांडे जी भी हमको लग रहा है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत अच्छा टारगेट नहीं दे पाएंगे, और लेकिन फिर भी जितना भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत गजब, और बहुत गजब ढंग से पांडे जी का स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और आए हैं तो बहुत मुस्कुरा कर खा रहे हैं। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, आराम से खाने दीजिए। चलिए ठीक है, खाते रहिए, जितना खा सकते हैं खाते रहिए। और ऐसा लगता है कि रोहित का रिकॉर्ड तोड़ने वाला इस धरती पर, इस मंडी में कोई नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। और ये देखिए यहाँ पर पांडे जी आए और नाश्ता कर लिए हैं, तो इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे भी लोगों की जरूरत है। चैलेंज में आए, पार्टिसिपेट किए, पांडे जी के धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं अगले चैलेंजर ग्रुप में कौन आते हैं और कितने प्लेट कंप्लीट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में भाई साहब आ चुके हैं, एकदम पगड़ी उगड़ी बांध कर। तो क्या नाम है आपका? मिलिट्री रिटायर्ड है, ये बताइए। रणवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इलाहाबाद में कोई गांव है? हाँ, फूलपुर। फूलपुर, मतलब फूलपुर के ही रहने वाले हैं भैया जी। तो टाइमर चालू कर दीजिए भैया जी के लिए। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है, तो देखिए भैया जी कितना इडली खाते हैं। और इनके हाथ से तो भगी जा रही है इडली। और ये देखिए भैया जी बहुत ही गजब की ट्रिक लगाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। और यहाँ पर पवन जी टाइमर थोड़ा खाने दीजिए, जैसे खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और यहाँ पर देखिए 15 सेकंड और असली चैलेंजर की तरह भाई साहब आए हैं, देखते कितने। और 20 सेकंड में एक इडली समाप्त किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और भैया जी आए हैं तो एकदम मस्ती से जुटे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं, नाश्ता करने के लिए भी चैलेंजर होने चाहिए ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। हौसला तो चाहिए वहाँ पर खड़ा होने का। तो भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है अपने चैनल पर। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। कल पेड़ का दिखाओ बंद ना चैनल पे। इलाहाबादी पे भाई साहब का चैलेंज देखना चाहते तो आप लोग देख सकते हैं अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल पर। हमारे एक नहीं बहुत 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 चैलेंजिंग वीडियो है। और भाई साहब आए हैं, 2 प्लेट बिल्कुल खत्म कर लिए हैं 1 मिनट में। और भाई साहब आए, हौसला दिखाए, भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। और देखते हैं अगले चैलेंजर ग्रुप में कौन आते हैं और कितनी प्लेट कंप्लीट कर पाते हैं। और
अगले चैलेंजर के रूप में नॉन स्टॉप। तो भाई साहब नॉन स्टॉप आ चुके हैं अगले चैलेंजर के रूप में। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? अहियापुर। अहियापुर। तो भैया जी अहियापुर की धरती से चलकर आए हुए हैं वीरेंद्र जी। तो पवन जी वीरेंद्र जी के लिए टाइमर चालू कर दीजिए। और यहाँ पर वीरेंद्र जी एकदम पूरी तरह से एकदम भयंकरता का परिचय देते हुए यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वीरेंद्र जी आ चुके हैं। बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और गजब का जो है यहाँ पर हौसला दिखाए हैं पवन जी। जैसे कि रोहित आए थे एक मिनट में पांच खाए थे लेकिन 24 सेकंड में 3 खा लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और असली चैलेंजर की तरह खा रहे हैं सांबर। और भैया जी एकदम पूरी तरह से चैलेंजर की तरह समय चुके हुए हैं। बहुत अच्छी कोशिश है। 4 हो गई है, 4 हो चुका है। और ये देखिए टारगेट समाप्त होने वाला है। और यहाँ पर 5 मतलब रोहित का टारगेट समाप्त हो चुका है। और देखिए भैया जी कितना बनाते हैं टारगेट अपना चैलेंजर के लिए। और यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हैं भैया जी एकदम दम पे दम मारे जा वाला काम कर रहे हैं। प्लेट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। भाई साहब का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको तुरंत कैश देते हैं। देख रहे हैं रवीन जी आधी की तरह है और तूफान की तरह इडली को जो है खाए। एक मिनट में 7 खाने के बाद उसके प्लस भी गए हैं। तो भैया जी पवन जी क्या कहेंगे रविंद्र जी के लिए? तो रविंद्र जी आए, हौसला दिखाए, रविंद्र जी का धन्यवाद करते हैं और एक मिनट में 7 प्लेट कंप्लीट करके सबसे ज्यादा का बढ़त बनाए हैं। तो इनको इनाम की राशि तुरंत कैश देते हैं। तो भैया जी एक बार भैया जी के लिए ताली तो बजा दीजिए यार। और यहाँ पर रविंद्र जी के लिए बहुत गजब का जो है ताली बजा है। तो पवन जी इनाम की राशि रविंद्र को दी जाए। और पहली बार हमारा फूलपुर में तो रविंद जी पैसा पा गए हैं। दिखाइए पूरा है ना। तो आपको यह वीडियो या चैलेंज कैसे लगा? तो रविंद्र जी आए, हौसला दिखाए, रविंद्र जी का धन्यवाद करते हैं जो इनाम की राशि इनको कैश दे दिए हैं। और पहली बार हमारे फूलपुर चैलेंज में, मतलब फूलपुर में पहली बार चैलेंज हमारा लगा हुआ था और रविंद्र जी विनर हो चुके हैं। तो इनको इनाम की राशि कैश दे दी गई है। और इसी के साथ हम इस चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।